Hello, Assalamualaikum. This is me, Anna, and hope you all will be fine. और उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीकेंड है आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा. यकीनन कुछ बिजी होता है समटाइम्स वीकेंड. आज मैं जो आपके लिए खैर एनीवेज जो मैं आज आपके लिए वीडियो लाई हूँ वो कुछ तीन प्रोडक्ट्स के बारे में है. उन तीन प्रोडक्ट्स के बारे में जिसके बारे में अक्सर से ज़्यादा हमारी लेडीज़ जो हैं वो कुछ कंफ्यूज हैं, कुछ को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या चीज़ें हैं और कुछ को उसके बारे में अवेयरनेस का सही से नहीं पता. तो मैं आज उन तीन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अवेयरनेस दूंगी, समझाऊंगी, बताऊंगी और प्राइसेस भी बताऊंगी. ठीक है, ओके जी. तो हमारे पास सबसे पहली जो प्रोडक्ट है वो है प्राइमर. प्राइमर क्या चीज़ होती है, प्राइमर क्यों यूज़ होता है, प्राइमर का क्या काम है मेकअप के अंदर, प्राइमर क्या होता है. सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब दे देती हूँ आपको. प्राइमर एक इस तरह से या बहुत सारी पैकिंग में अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, ठीक है. और प्राइमर जो है अमूमन जो हम ये होती है हमारी स्किन के ऊपर मेकअप से पहले लगाने के लिए, ताकि जो हमारे ओपन पोर्स हैं वो बंद हो जाएँ, उनको रिकवर करें, हमारी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करें और हमारे मेकअप को काफ़ी देर तक स्टे रहने दें. जो हम बेस लगाते हैं उसको हमारे फेस पे अच्छे से सेट रखें और काफ़ी देर तक वो स्टे करें. बेसिकली इसका और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका कुछ सेम काम है, लेकिन उसका थोड़ा सा और फ़ायदा भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है. मेरे ख्याल इतना तो आपको समझ आ ही चुका होगा कि प्राइमर लगाना क्यों ज़रूरी है. प्राइमर आप रेडीमेड बाज़ार से भी ले सकते हैं और प्राइमर की जगह आप घर का नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो लोशन होता है जो नॉर्मल रूटीन में हम यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. आप एलोवेरा जेल जो कि मार्केट पैकिंग में आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. और आसान हो रही है तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं. ओके जी, तो आगे हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है. हमारे पोर्स जो ओपन पोर्स होते हैं या कोई खड्डे पड्डे होते हैं फेस के ऊपर, तो हम उसको ये अच्छे से फिल कर देता है. जब हम बेस बनाते हैं तो एक स्मूथ और अच्छी बेस बनती है, उसका टाइम पीरियड काफ़ी होता है, आप काफ़ी देर तक आपके फेस पे स्टे करती है, ठीक है. बेसिकली मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को वन इवन टोन देता है, ठीक है ना. अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है ये वाला फेस सीरम. 24 कैरेट गोल्ड वाला है मेरे पास अवेलेबल. इसमें बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं. सिंपल फेस ऑयल्स भी आते हैं, कुछ इस तरह के ग्लिटरी भी आते हैं, कुछ थोड़े से डिफरेंट टाइप की अपनी इंग्रेडिएंट्स के साथ आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा जी, ये बात तो होगी फेस ऑयल, ठीक है. और फेस ऑयल का मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका किस तरह से इसका टेक्सचर होता है. ये देखें, ये ऑयल की तरह का होता है, ठीक है. फेस ऑयल ये स्किन के लिए ना सिर्फ आपकी बेस बनाने से पहले आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ना सिर्फ अच्छी से एक बेस देता है, मेकअप को फ्लॉलेस दिखाता है, उसके साथ साथ इसके और बहुत बेनिफिट्स हैं फेस ऑयल के. ये आपकी फेस को यानी आपको एंटी एजिंग से बचाता है, रिंकल से बचाता है, दाग धब्बे को दूर करता है, आपकी स्किन को हेल्दी होने में मदद करता है. जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उससे ये फाइट करता है, ठीक है. सो ये मेकअप के लिए तो अच्छा है, साथ साथ आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. स्किन ऑयल अगर आप मेकअप नहीं भी करते समटाइम्स, तो आप नहा के आते हैं या वजू करते हैं या मुंह धो के सुबह उठते हैं, तो आप ग्लिटर वाला ना हो सिंपल फेस ऑयल भी आप ले सकते हैं. बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ अवेलेबल है मार्केट में, आप वो ले के 2-4-6 ड्रॉप्स जितने आपके आपको लगता है कि आपके लिए ओके हैं वो आप ले के अपने फेस पर अप्लाई करें. यू विल गेट मोर हेल्दियर स्किन और साथ साथ आपको क्या होगा कि बेस और मेकअप के लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है. अच्छा जी, मेरी थर्ड प्रोडक्ट है फेस इट का नेचुरल स्टोरी मेकअप सेटिंग स्प्रे. मेकअप सेटिंग स्प्रे क्या है, ये कौन कौन सी बलाएं हैं जो पहले तो मेकअप में यूज़ नहीं होती थी लेकिन अब आ गई. पहले मेकअप करना था थोड़ा सा मुश्किल ट्रिकी, और अब क्या है कि हमारे मेकअप को आसान बनाने के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाई गई हैं, ताकि हमारा मेकअप और अच्छे से हो सके, बहुत आसानी से हो सके और अच्छा दिखे, फ्लॉलेस हो जाए, उसको करना आसान हो, ठीक है. मेकअप सेटिंग स्प्रे ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे सिटीज़ हैं जहाँ पर वेदर थोड़ा ड्राई है, कहीं ऑयली है, कहीं पर मेकअप लगता है तो ठहरता नहीं है, कहीं लगता है तो फट जाता है,
या कहीं मतलब वक्ती तौर पे जैसे आप मेकअप करते हैं तो बहुत अच्छे से फ्रेश होता है, लेकिन जैसे ही टाइम गुजरता जाता है, घंटे गुजरते जाते हैं, आपका मेकअप उड़ता जाता है, पैचेस बनते जाते हैं, मेकअप खराब होने लग जाता है, कहीं कहीं पर होता है, कहीं नहीं होता, कहीं पैचेस बन जाते हैं। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे क्या है, एक चीज़ ईजाद कर दी गई है। जैसे हम हेयर स्टाइल्स बनाते हैं तो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे लगाते हैं, ओ सॉरी मेकअप फिक्सिंग नहीं, हेयर स्प्रे लगाते हैं, तो बाल वहीं ठहर जाते हैं, तो आपका हेयर स्टाइल खराब होने से बच जाता है। इसी तरह ये हमारे पास मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है। जब आप पूरा मेकअप कर लेते हैं तो उस टाइम आप मेकअप में देख लें क्या क्या ऊपर नीचे करना है, खामियां और जो भी सेटिंग वेटिंग है वो आप कर लें। उसके बाद आपने एंड में मेकअप के बिल्कुल ये स्प्रे अपने फेस पे करना होता है। इसके एक से दो पफ इनफ होते हैं, ठीक है, इनफ होते हैं। अब जब आप ये स्प्रे कर लेते हैं तो ये हेयर स्प्रे की तरह जैसे आपके बाल रुक जाते हैं हेयर स्प्रे से जहाँ पर आप बनाते हैं, इसी तरह से आपका मेकअप भी वहीं पर फिक्स हो जाता है और घंटों तक नहीं हिलता, ख़राब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बताया है आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर किसी को कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और कोई बात समझ नहीं आ रही है सो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल टेल यू इन कमेंट्स। फेस ऑयल का आई थिंक यू नो नाउ, प्राइमर क्या होता है ये भी आपको समझ आ गई होगी, फेस मेकअप फेस स्प्रे क्या होता है ये भी आपको समझ आ गई होगी यकीनन। सो अगर नहीं भी समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मज़ीद सवालात, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस, मज़ीद जो भी डिटेल्स आप ले सकते हैं। ओके जी, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।